हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कारों के बारे में जो कि 6 लाख के ऑन रोड बजट में आपको इंडिया में 2023 में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बजट है 2.6 लाख रुपए ऑन रोड और आप भी एक नई कार खरीदने का विचार बना रहे हैं 2023 में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टॉप 5 कार बताने वाले हैं जो कि 6 लाख में आती है। नंबर 5th कार की बात करें तो वो है मारुति अल्टो K10। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुई मारुति अल्टो K10 आपको 6 लाख रुपीस ऑन रोड में काफ़ी अच्छा मॉडल प्रोवाइड कर देती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली बेस्ट मॉडल जो कि आपको लगभग 6 लाख में मिल जाएगा अल्टो K10 का, तो वो है इसका VXI प्लस वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, अल्टो का VXI प्लस वेरिएंट जिसमें आपको काफ़ी सारे जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो VXI प्लस वेरिएंट में आपको K10C 998cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 65.71 bhp की पावर जनरेट करता है। साथ ही 89 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है जो कि 3 सिलेंडर और 4 वॉल्व्स के साथ आता है। इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं इसके माइलेज की बात करें तो ये 24.39 km तक का माइलेज जनरेट कर देती है। वहीं डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 3530 Nm की लेंथ मिल जाती है, 1490 Nm की विड्थ मिल जाती है, वहीं इसमें आपको 1520 Nm की हाइट मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो 214 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है और 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें पर्टिकुलरली VXI प्लस वेरिएंट के, तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट में मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको एयर कंडीशनर, हीटर, रिमोट ट्रंक ओपनर, रिमोट फ्यूल लिड ओपनर, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, SRE पावर आउटलेट, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, वॉइस कंट्रोल, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें इसमें आपको रेडियो, फ्रंट रियर में स्पीकर, इंटीरियर टू विंडो सिस्टम, USB ऑक्सिलरी इनपुट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंच टच कंफर्ट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वहीं इसमें आपको पावरफुल 4 स्पीकर मिल जाते हैं, सेफ्टी लॉक, ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नंबर ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड मिल जाते हैं। वहीं इसमें आपको रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबिलाइजर और क्रेश सेंसर वाले सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट कार है। अगर आप सिटी के लिए कोई कार देख रहे हैं जो कि पार्किंग में भी कन्वीनियंट हो तो आप अल्टो K10 खरीद सकते हैं, और आपका बजट कम है और आपको फीचर्स भी चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट कार आप इसे मान सकते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 4th गाड़ी की, तो वो है मारुति वैगनार। जी हाँ दोस्तों, अपने टॉल बॉय नाम से फेमस मारुति वैगनार भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको भारतीय बाजार में मिल जाता है, जिसमें आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। वहीं इसकी बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो इसका LXI जो बेस्ट वेरिएंट है वो लगभग आपको 6,14,000 रुपीज़ का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। पर्टिकुलरली इसी के इंजन स्पेक्स और अदर स्पेक्स की बात करें तो पर्टिकुलरली LXI में आपको 1998cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 65.71 bhp की पावर जनरेट करता है, जिसमें आपको 89 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं बात करें इसके ट्रांसमिशन के, इसमें आपको मैनुअल 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें 24.35 km का ये माइलेज जनरेट करती है। डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 3655 Nm की लेंथ मिल जाती है, 1620 Nm की विड्थ मिल जाती है, वहीं आपको 1675 Nm की हाइट मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो 341 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है और 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज मिल जाती है, वहीं आपको एयर कंडीशनर, हीटर मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। वही कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल होने की वजह से इसमें आपको एज सच कोई भी कम्युनिकेशन फीचर्स नहीं मिलता, आपको एज एन एसरी इसमें कम्युनिकेशन फीचर यानी कि एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन फीचर्स अपग्रेड कराने पड़ते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कार है। अगर आपका बजट कम है, आपको एक अच्छी स्पेस वाली कार चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3rd गाड़ी की, तो वो है मारुति की ही इग्निस। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी कार है जो कि आप खरीद सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा इंजन चाहिए और मारुति कार खरीदें जिसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिले, तो आप मारुति इग्निस सिग्मा पेट्रोल वेरिएंट ले सकते हैं जो कि लगभग 6,07,000 रुपीज़ का ऑन रोड पड़ जाता है। वहीं बात करें पर्टिकुलरली इस कार के स्पेसिफिकेशंस की, सिग्मा पेट्रोल में आपको VVT इंजन मिलता है जो कि 1,197cc का आता है, जिसमें आपको पावर 81 bhp की मिल जाती है, वहीं आपको 113 Nm का टॉर्क मिलता है। सो वन ऑफ द बेस्ट कार। इसमें आपको 20.89 km का माइलेज मिल जाता है। डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो 3700 Nm की लेंथ मिलती है,
1690 एम की इसमें आपको विड्थ मिलती है, वहीं इसमें आपको 1595 एम की हाइट मिल जाती है। एक्सटीरियर की बात करें, कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल होने की वजह से एस सच आपको इसमें कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, टू एयरबैग्स फ्रंट एंड रियर में मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट कार है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें आपको बड़ा इंजन और आपका बजट 6 लाख के आसपास है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ये कार लगती है। वही बात करें नंबर सेकंड गाड़ी की तो वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। जी हाँ दोस्तों, रेनॉल्ट ट्राइबर वन ऑफ द बेस्ट कार मानी जाती है और ये एकमात्र ऐसी कार है जो कि आपको काफ़ी प्रीमियमनेस के साथ 7 सीटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है काफ़ी कम प्राइस में, यानी कि लगभग इसकी प्राइसिंग मान सकते हैं आप 6,64,000 से इसका बेस मॉडल ऑन रोड स्टार्ट हो जाता है, जो कि इसका RXC पेट्रोल है। आपको 6,64,000 रुपीज़ में एक 7 सीटर काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली कार मिल जाती है। वहीं बात करें पर्टिकुलर रेनॉल्ट ट्राइबर के बेस्ट वेरिएंट, यानी कि इसके बेस वेरिएंट की, जो कि इसका RXC वेरिएंट है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा इंजन देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है जो कि लगभग 6,64,000 रुपीज़ का देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 71.01 bhp की पावर, वही 96 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 3 सिलेंडर 4 वोल्ट मिल जाते हैं, साथ ही ये MFFI फ्यूल सिस्टम के साथ आता है। इसमें आपको मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 20 km तक का माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं बेस वेरिएंट होने की वजह से SS तो आपको इसमें एंटीएम फीचर्स देखने को नहीं मिलते। वहीं इसके सेफ्टी की बात करें तो इसे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है। इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर साइड एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट कार, अगर आपका बजट कम है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। नंबर वन गाड़ी की बात करें इस बजट में तो वो है टाटा टियागो। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट कार मानी जाती है टाटा टियागो, जो कि लगभग 6,21,000 रुपीज़ की ऑन रोड देखने को मिलती है बेस्ट वेरिएंट के साथ, जो कि XC पेट्रोल। बात करें XC पेट्रोल के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1199cc का आता है। इस रेंज में आपको काफ़ी पावरफुल इंजन मिल जाता है टाटा टियागो में। इसमें आपको 84.82 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं ये 5-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आती है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 20.09 km का माइलेज मिल जाता है। वहीं डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 3,600 765 mm की लेंथ मिलती है, 1,677 mm की वाइड विड्थ मिल जाती है, वहीं आपको 1,535 mm की हाइट मिल जाती है। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। वहीं एंटीटेम कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें एस सच आपको एंटीटेम कम्युनिकेशन फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 2 एयरबैग्स, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट्स, रियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर जैसे फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। और इससे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल NCAP में और वन ऑफ द सेफेस्ट कार मानी जाती है एंट्री लेवल हैचबैक कार सेगमेंट में। सो ये 5 कार थी जो कि आपको 6 लाख के ऑन रोड बजट में भारतीय कार बाजार में देखने को मिल जाती है। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ जल्द।